स्वदेश मानव अधिकार संगठन छत्तीसगढ़ और हिंदू जागरण मंच द्वारा 17 मार्च गुरुवार को सूर्या मॉल में द कश्मीर फाइल्स का निःशुल्क प्रदर्शन शहर के लोगों के लिए रखा गया है। फिल्म के निःशुल्क प्रदर्शन का उद्देश्य बताते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष छोटू चावला, प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ऐसे अधिकांश लोग हैं जिन्हें कश्मीर के पूर्व इतिहास की जानकारी नहीं है। इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक सभी जानकारी पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के भिलाई जिला संयोजक मधु शाह ने भी संगठन के इस आयोजन की सराहना की है। मैं छोटू चावला, स्वदेश मानव अधिकार संगठन प्रदेश अध्यक्ष, आज बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रदेश के महामंत्री इंद्रजीत सिंह, हमारे सहयोगी व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई के अध्यक्ष मधु शाह और प्रदेश के स्वदेश मानव अधिकार संगठन के कोषाध्यक्ष मीनाल चौहान, इन सब के प्रयास से और हिंदू जागरण मंच ग्रुप के प्रयास से संयुक्त रूप से PVR IT मॉल नेहरू नगर में द कश्मीर फाइल्स पिक्चर निःशुल्क एक दिन का शो दिखा रहे हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आने वाला जो हमारा युवा वर्ग है वो कश्मीर कैसे हमारा एक अभिन्न अंग है और कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडितों के ऊपर जो भी जुर्म हुए हैं वो इतिहास जो लोग जानते नहीं थे वो लोगों तक अगर हमारी इस पिक्चर के द्वारा पहुंच रही है और उसको हम अपनी जनता को दिखा रहे हैं और कई लोग कई संगठन इस पिक्चर का विरोध कर रही है, जबकि लोगों को ये होना चाहिए कि ये पिक्चर अगर हमारे कश्मीर के इतिहास और कश्मीर के पंडितों की कहानी अगर दुनिया के सामने ला रही है तो बढ़ चढ़ कर इस पिक्चर का प्रचार करना चाहिए, लेकिन कई संगठन विरोध कर रही है। लेकिन स्वदेश मानवाधिकार संगठन ने पहल करके भिलाई में मॉल को फ्री पैसा दे के बुक करवाया और निःशुल्क भिलाई की जनता को वहाँ पे ले जाके पिक्चर दिखा रही है और इसके लिए मैं इंद्रजीत सिंह और अपने सहयोगी मधु शाह, मीनाल चौहान और अपनी टीम के जितने भी स्वदेश मानवाधिकार संगठन और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं उन सब बधाई के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पिक्चर को दिखाने का जो साहस और मन बनाया वो तारीफ़ काबिल है और मैं इंद्रजीत सिंह को प्रदेश महामंत्री स्वदेश मानवाधिकार संगठन को भी बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में वो ऐसा ही कार्य करें और समाज को अपने इतिहास का दर्शन करवाने के लिए चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो चाहे किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से हो वो करना चाहिए और देश को एक सूत्र में बांधकर हिंदुत्व के भावना को लोगों के बीच में जगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मैं इंद्रजीत सिंह, प्रदेश महामंत्री स्वदेश मानव अधिकार संगठन छत्तीसगढ़। कल 17 मार्च को सूर्या मॉल में दोपहर में संयुक्त रूप से स्वदेश मानव अधिकार संगठन और हिंदू जागरण मंच की तरफ से द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने का आयोजन रखा गया है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को जब दबा दिया गया था उस घटना को इसमें उजागर किया गया है और कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए घटना को मैं चाहता हूं कि हमारे युवा देखें, भिलाई के नगरवासी देखें, प्रदेशवासी देखें और जागरूक हों और उन्हें पता चले कि पहले कश्मीरी पंडितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है और अधिक से अधिक मात्रा में इस मूवी को देखें और सहयोग प्रदान करें। क्या उद्देश्य है संगठन का जो मूवी दिखाई जा रही लोगों को? मूवी दिखाने का उद्देश्य ये है कि युवा वर्ग जो कई जानकारी ऐसी हैं, कई हमारा जो इतिहास है जिसे दबा दिया गया है पहले उसको उजागर किया गया, कश्मीरी घटना को दबा दिया गया है उसको उजागर किया गया है इस मूवी के द्वारा और जिसका कई जगह से कई संस्थाओं के माध्यम से विरोध भी किया जा रहा है। मैं उन सभी संस्थाओं का विरोध करता हूं जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि दूसरे प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है इस मूवी को, इस प्रदेश में भी इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए और अधिक से अधिक मात्रा में युवाओं को, हमारे प्रदेशवासियों को इस मूवी को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद। जय भारत। जी भैया, मैं मधु शाह, व्यापार प्रको जिला से, जिला भिलाई। मैं, मेरे मित्र जो है मतलब स्वदेश मानवाधिकार संगठन द्वारा और हिंदू जागरण मंच द्वारा जो निःशुल्क सिनेमा दिखाया जा रहा है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, जो कल सूर्या मॉल में दिखाया जा रहा है, उसका समय 1:30 पे
तो इसका मैं अपनी और अपने पार्टी की ओर से पूरा समर्थन करता हूँ और इस तरह का आयोजन मतलब होता रहे आगे, इसका मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटी तौला जी को दे रहा हूँ और इंद्रजीत भाई को, मीनाल चौहान को, विजय देवागन और अपने सभी साथियों को। धन्यवाद।